Hello dear students, welcome back to the JDC line. Judicians always maintain their traditions. और उसी traditions में आज हमारे साथ हैं हमारी topper stop में Miss Vaidehi. So first of all, Vaidehi, big congratulations for your result and welcome to the JDC. Thank you sir. Okay, so Vaidehi, experience कैसा रहा? Result आने के moment. Sir, जब result आया था तो expecting तो होता नहीं है. सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होता है, पर जो ये था कि हाँ रिजल्ट अच्छा आएगा क्योंकि पेपर अच्छा गया था, पर ये नहीं पता था कि टॉप 100 में आएगा भी या नहीं. पर जो टॉप 100 में जब आया तो रिजल्ट मैंने रात को तो देखा भी नहीं था. मैंने जब सुबह देखा तो मेरी फ्रेंड का मैसेज था, तो फिर मैंने देखा कि मेरी रैंक क्या है. जब रैंक देखी तो बहुत देखने के बाद एक खुशी. मैं थोड़ा सा आपके कॉलेज लाइफ पे जाना चाहता हूँ. आपका ग्रेजुएशन किस कॉलेज से और कैसी थी आपकी कॉलेज लाइफ, थोड़ा उसके बारे में से बात करते हैं. सर, कॉलेज मेरा है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो मैंने वहीं से बीकॉम किया. और कॉलेज लाइफ का मेरा ये था कि पहले तो बीच में लॉकडाउन आ गया था, तब तक तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, मतलब शुरू के 2 साल तो एकदम लड्डू वाले थे. पर जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसके बाद मेरा ये था कि उस टाइम मेरा थोड़ा गांव पास में ही है वहाँ से, तो मैं अप डाउन कर लेती स्कूटी से. फिर उसके बाद मेरा पर उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा चल जाता था, मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा था. फिर मैंने सागर में ही रूम लिया, फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया. पर उसमें भी प्रोजेक्ट्स वगैरह असाइनमेंट होते थे और जो एग्जाम्स, तो वो अफेक्ट करता था, पर साथ में सब कुछ लेके चलना ही पड़ता है. अब शुरुआत के जरिए क्या होता है, मैं देखती कोई जब प्लान करते हैं तब तो लगता है कि बहुत ठीक है हम कर लेंगे. लेकिन जब ये जर्नी हमारी शुरू होती है ना, एक दिन की होती नहीं है, साल भर की होती है, तो बहुत सारी चीजें हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. तो आपका वो स्ट्रगल पीरियड मुझे थोड़ा सा जानना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. ये जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कॉलेज का भी प्रेशर है, क्लासेस का भी प्रेशर है, प्लस हमें तैयारी भी करनी है, टेस्ट भी देने, बहुत सारी चीजें. सो आपका क्या एक शेड्यूल क्या होता था उस चीज के लिए? सर, मेरा शुरू में ये था कि शुरू में मैंने जब प्रिपेयर करना शुरू किया तो मेरा ये था कि ठीक है टॉप 10 में रहूँ मैं तो अच्छा रहेगा. तो मेरा शुरू में थोड़ा कम नंबर आता था तो डिमोटिवेशन वाला फेस हो जाता था. पर फिर उसके बाद मेरा ये था कि ठीक है अपन मेहनत करेंगे या जो भी मेरे कमियाँ थी, मिस्टेक्स थी, उसको क्लियर करती फिर मैं आगे करूँगी प्रिपरेशन. तो उस हिसाब से मेरा जो टेस्ट था उसको एनालिसिस करा या जो भी मैंने मिस्टेक थे उनको सुधारा. तो उसके बाद फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी होता था. और फिर किसी से बात करो या फ्रेंड से बात करो, टीचर्स से भी बात करो, तो वो समझाते हैं कि हाँ वो सबकी लाइफ में आता है वो फेज. तो एक बार तो रेफर करनी चाहिए, 2 साल का टाइम था तो काफी था, टाइम कर सकते
मेरा सबसे पहले तो जैसे जो जो चैप्टर होते थे क्लास में, मैं उनको साथ में पढ़ती जाती थी। जैसे आज अगर कोलॉजी का ANS हुआ तो मैंने ANS तो मैं साथ में उसका रिवीजन करती जाती थी, किडनी से या पढ़ती जाती थी, और उसके नोट्स भी बनाती जाती थी। एक्स्ट्रा होता तो उसमें ऐड कर लेते थे। तो ऐसे मेरा ये रहता था। कुछ सब्जेक्ट वो सिर्फ ऐसा रहता कि कई बार नहीं टीचर कवर करा पाते या फिर छूट जाता है, तो वो मैं खुद से करती थी। जैसे बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण, तो वो मैंने खुद से उसके नोट्स बनाए ये सर से। और लैक मैंने लैक मैंने आपने सब्जेक्ट्स के लिए प्रेफर किया। अच्छा, एक ये होता है कि बच्चों के मन में रहता है कि सर मैं आपसे इसी सब्जेक्ट का हूँ, लाइक फार्माकोलॉजी पे चलता हूँ, कि सर हम केडी त्रिपाठी पढ़े कैसे। और खासकर जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसके मन में रहता है कि सर उसकी लैंग्वेज इतनी टफ है, हम उसको कैसे पढ़े। आपका उसमें क्या पढ़ने का नजरिया था कि मुझे मेजर चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे आप उसको प्लान करते थे? सर तो जब मैंने शुरू में पढ़ा तो थोड़ा टफ लग रहा था, पर एक बार अपन क्लासेस का क्लोज के बाद उतना टफ, मतलब सब कुछ कवर हो जाता है, पर एक बार उससे गो थ्रू हो जाओ तो ऐसा डाउट नहीं रहता कि कुछ छूटा है। तो वो मतलब अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो फिर वो टफ नहीं है, क्लासेस के पहले थोड़ा लगेगा। तो एक गाइडेंस से ये बात, एक बार आपने क्लास सब कर लिया और क्लास करने के बाद फिर आपको बुक पढ़ने में टफ नहीं लगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये तो हो गया, जीपैट हमारा हो गया, नाइट पर भी हमारा हो गया, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं मैंने एक फ्यूचर प्लान क्या है, नॉट ओनली एमफॉर्म बट आफ्टर दैट कुछ ड्रीम है? सर मेरा तो रिसर्च में जाना है मुझे। ओके, तो रिसर्च में जो भी रहेगा मेरा, आरएनडी सेक्टर में भी मुझे जाना है और भाई मुझे अपने आप को अच्छा प्रूव करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। वैदे ही पूरे GDC टीम की तरफ से हमें आपको बेस्ट ऑफ लक देते हैं कि आपके फ्यूचर में हर वो ड्रीम अपना मुकाम हासिल करिए जो आपकी चाहत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने।